सुअंजी फैमिली गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब अच्छे होगे। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम सब पूरी फैमिली, मतलब आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं एंड भाई इसलिए हम पूरी फैमिली अभी जा रहे हैं भाई झंडे वाला मंदिर। भाई आपको वहाँ दिखाएंगे कि लॉकडाउन में झंडे वाला मंदिर मतलब कैसा है, दर्शन कितने हो रहे हैं, कोरोना का कितना ध्यान रखा जा रहा है, लोग कितने हैं एंड ऑल द थिंग्स। तो भाई स्टे ट्यून एंड हम आपसे सीधा मिलते हैं चलो गाड़ी में। बाय द वे सुबह का रूटीन हमारा वही सेम, बार बार उसको क्या दिखाना कि हम जिम गए, आज हमारे लेग्स डे था एंड अब इतना पेन नहीं होता यार पैरों में। पता है स्टार्टिंग के 2 वीक्स तक मेरे को बहुत पेन रहा था, बट उसके बाद अब मैं मारता हूँ ना तो वेट भी ज़्यादा लगता है, रैप्स भी ज़्यादा लगते हैं एंड अब दर्द भी नहीं होता, तो अब सही हो गया। एंड भाई चलो हम मिलते हैं सीधा आपको कार में। हाँ जी फैमिली, अभी निहाल और रोविन भाई यहाँ बैठे हैं क्योंकि अभी पेट्रोल पंप पे गैस भरवाई जा रही है गाड़ी में। नहीं गैस स्टेशन, वैसे भाई अब हर उसको पेट्रोल पंप भी बोलते हैं हम, गैस स्टेशन हो गया भाई। मेरे को इतनी काम है, मतलब कंफ्यूजन तो रहती है। बोरी भाई गाड़ी हमारी सब खड़े हैं अभी भाई, हम यहाँ छाँव में बैठे हैं, बट ये काफ़ी अच्छा बना रखा है यार एरिया। ये देखो यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है, सिटिंग मतलब तगड़ा है यार। और भाई ये रहा जेल रोड और वो रहा सामने तिहाड़ जेल, एशिया की सबसे बड़ी जेल हमारे घर के पास है पता है, और हम आज तक इसके अंदर नहीं गए, हमें जाना भी नहीं है भाई। अभी हम वेट कर रहे हैं एंड फिर हम, और भाई देखो नवरात्रे चल रहे हैं और ये प्याज वाले टेढ़े मेढ़े खा रहा है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कितनी भीड़ होने वाली है। भीड़ तो भाई बहुत है, जिस भीड़ तो वैसे होने पार्किंग वाली है, हो रखी है, पार्किंग पूरी फुल है और इतना टाइम लगता नहीं है आने में। क्या हो गया तार तो नहीं, जाम बहुत था तो जाम में बहुत परेशान हो गया, ट्रैफिक बहुत जाम, मास्क को लगाए रखना, जूते चप्पल तो हमने अपनी गाड़ी में उतार दिए भाई, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाय द वे पानी की सेवा हो रही है तो पानी पीते हैं, हाथ धोते हैं। भाई हमारे हाथ सैनिटाइज करवा दिए गए हैं वहाँ पे, 2-3 बार हो गए एंड भाई हमारी फैमिली हमसे आगे चल रही है, निहाल जैसे ही रहा और पापा और आगे हैं। और लाइन दिखाता हूँ आपको, लाइन बहुत पतली बना रखी है जैसे कि भीड़ ना हो, सिंगल बंदे चलें एंड भाई क्राउड काफ़ी है यहाँ पे, क्राउड रहता है। हमारा प्लान था रात को आने का बट रात को टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हम आज आ गए सुबह। एक मंदिर और जाएंगे, मे बी अगर वो खुला हो तो एक मंदिर और जाएंगे। भाई ये फ्री में मेहंदी भी लगाई जा रही है यहाँ पे, सब मंदिर परिषद के अंदर हो रहा है ये क्या भाई मेन मंदिर। और मुझे इस मंदिर की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि अंदर फोन रिकॉर्डिंग कैमरा वैमरा सब अलाउड है, दबा के फोटोज लो कोई इशू नहीं है। बहुत प्यारा सजा होगा भाई ये मंदिर आज, दोनों एक ही रास्ते हैं भाई, किसी भी चल सकते हो आप। Oh,
ये है भाई भंडारे की लाइन। पहले यहाँ आलू पूड़ी का भंडारा होता था ना, वो बैठ के खिलाते थे, मगर अब ये पता नहीं क्या प्रसाद है, एक तरह से चावल वावल होंगे, देखते हैं क्या मिलता है। भूख तो बहुत लग रही है, चल तो रहे हैं भाई। और भाई ये निःशुल्क मेहंदी सेवा, यहाँ पे चाय बट रही है, यहाँ पे चाय बट रही है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट टी बट रही, टी चाय। ये कुल्फी अंदर फ्री मिल रही थी, फ्री नहीं है भाई, फ्री नहीं है। पहले तो ऐसे लग रहा था कि फ्री मिल रही थी, मतलब कि ये है कि कोई भी कुल्फी या कोई भी ऐसे ओनली 4 rupees 10 10 रुपए में कोई चीज नहीं, कुल्फी वगैरह 10 की नहीं होती। तो हे गाइस, अब गाड़ी के पास आ गए हैं, आइसक्रीम खा ली है, अब चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर, शायद हम जाएंगे। और वो रहा है भाई द वे यश, और गाड़ी भी तैयार है, तो उस मंदिर में देखते हैं भाई क्या होने वाला है, कैसा सीन होने वाला है। भाई द वे वो काफ़ी फेमस मंदिर है। आ चुके हैं मंदिर पे, भैरव मंदिर, जहाँ मैं आना था भैरव बाबा के मंदिर में, सामने है वो भी देखा होगा आपने, इलाके पीछे साइंस सेंटर दिखा दिया होगा। मैं पहली बार आया हूँ, मैं बताऊँ दिल्ली में रहते हुए पहली बार आया, मैं बहुत बार आ चुका हूँ मंदिर वंदिर में, मैं घूमा आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, कसम से बहुत बार आया, अभी आए हो आप पहले भी, बहुत बार। अब देखते हैं भाई अंदर, मैं तो शिवानी बाबा के साथ आया था। श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवों कालीन मंदिर, ये पांडवों ने बनवाया मंदिर। और ये मेरे को बस उससे आता फुकरे में बोलता है ना, भैरव बाबा का मंदिर है पूरा निकलेगा मुझसे, जय दुर्गा पे चौका पैर तो जलेंगे। ये देखो भाई, ये है पुराने किले की दीवार, मैं पहले मूवी फ्रेम से हटाता हूँ भाई इससे, लेकिन इससे अच्छा शॉट आ रहा है काफी। ये जो सारी दीवार है ये पुराने किले की दीवार है। ये देखो भाई, पुराने टाइम पे भी क्या कलाकारी होती थी ना, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर उठाना, और वो आज तक जमे हुए हैं, बताओ सबसे बड़ी बात ये है, हिली नहीं है दीवारें, कितनी पुरानी दीवारें होगी ना। वो देखो गिलहरी भी आराम से खा रही है, कुछ ना कुछ खा रही है गिलहरी। और यहीं पे गाय माता है, जिनका दूध ऐसे ऐसे है पूरा, शिव वैभव वो पुजारी खड़े हैं, ये है पूरा मंदिर। और यहाँ थोड़ी प्रसाद वरसाद की दुकानें हैं मुझे लग रहा है, हाँ ये गुजिया मट्ठी हैं, मट्ठी वट्ठी पूरी बन रही है, गुजिया बन रही है, प्रसाद यहाँ पे चढ़ रहा है आराम से। अच्छा खस्ता कचौड़ी चौड़ी खाओ आके मजे से, प्रसाद लेते हैं भाई। देखो ये कचौड़ी आलू बहुत पुरानी है, बहुत टेस्टी है, वन ऑफ द फेवरेट, बाबा आदम जमाने की है, मतलब पुरानी जब से मंदिर तब से तो है, और मंदिर कितना पुराना है, लोग दिल्ली में जानते होंगे, ये मंदिर जब से लगे हुए हैं, अबे और पुरानी होगी ना, पीढ़ियां होंगी इनकी, पीढ़ियां हो सकती है, ये बात नो डाउट पीढ़ियां होगी, हैं पूर्वजों की हो सकती है। अभी यहाँ पे प्रसाद वरसाद ले रहे हैं सारे, यूट्यूबर्स को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे खुद ये भी जला रखे हैं बाबा के। भाई तो गाइस अभी हम खा रहे हैं वो कचौड़ी जो आपने देखी होगी स्टार्टिंग में मंदिर के, और भाई अंदर ना मंदिर में शूट नहीं करने दे रहा था वो बंदा ना, हमने करीबी थी बंद कर रहा था, काफी अच्छे टेस्ट। 20 रुपए की एक प्लेट जिसमें दिखा दो, 20 रुपए की एक प्लेट जिसमें ऐसी दो कचौड़ी हैं, तो हम पहले भी हम वहाँ से थोड़ा सा हमने कर लिया था नाश्ता, तो हमने पर प्लेट में सिर्फ एक ही डलवाई, सही है हल्का हल्का जाना है, भाई सच में लिटरली टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, जैसे वो फूड इंक्लूड करता ना, चलो इसका आनंद लेते हैं। मैंने पहले भी खाई हुई है बाहू, खाई तो हमने भी है भाई। तब हम वापसी जा रहे हैं, सबको सूट वूट करके जितना भी आपने देखा, और ये यश तेजी में गया है, क्योंकि पता है जो नीचे का फर्श है वो काफ़ी गर्म है, इसीलिए पैर यहाँ पे तो जल रहे हैं, मेरे भी जल रहे हैं, लेकिन
थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कैसे फायदा। और ये तो काफी गर्म है, जो नीचे वाला फर्श है ना, ये तो पैर जल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सब माइंड सेट का खेल है, दिमाग में सोचो ही मत इसको, तो नहीं जलेंगे। काफी गर्म हो रहा है भाई ये फर्श तो, देखो फटाफट से भगाइए। तो आ गए हैं भाई, और मैं तो आने के बाद सो गया था काफ़ी देर के लिए, मेरे को नींद बड़ी गोल की आ रही थी, खस्ता थी पूरी की पूरी मत पूछो। और भाई ने सुबह सुबह आके और उठा दिया था, मैं उठ भी नहीं रहा था आज, मेरा बिल्कुल मन नहीं था जिम जाने का, लेकिन सच में इसने उठा दिया। और एक्सरसाइज भी ढंग से नहीं करी मैंने, मेरा मन ही नहीं था। लेग्स की 6 एक्सरसाइज मारते हैं, इन्होंने 6 में से 4 मारी पहली बात, और 4 के भी सिर्फ 2 सेट, ये क्या बात होती है। पर मैं लगा रहा मंदिर से आने के बाद तो सच में इतनी थकान हो गई थी, गाड़ी में सो नहीं पाया मैं बिल्कुल भी, और यहाँ पे आने के बाद तो सो गया था। और आज का ब्लॉग थोड़ा वही हो गया, बाहर का ब्लॉग हो गया, सो बहुत दिनों बाद हो गया, काफी सही है, ऐसे ही ब्लॉग आने चाहिए और मजा आता है, नई नई चीजें देखती हैं तो ऑडियंस को। बस कोशिश कर रहे हैं भाई, भाई की आज सेकंड कट ऑफ भी आ गई है, और इस बार तो भाई ड्यूब में पूछो मत क्या हाल चल रहा है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे 89.2 समथिंग आई है, जो ठीक ठाक है ऑन एन एवरेज देखी जाए, ठीक है, अच्छी है। मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा यार, देख के यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब भाई पहली कट ऑफ में 50% एडमिशन फुल हो गए, बताओ ग्रुप पे पहली बार देखा है, पहली कट ऑफ में 50% एडमिशन फुल होते हैं क्या, लेकिन इस बार हो रहा है क्योंकि नंबर थोड़े वैसे ही दे दिए थे और उड़ाए हैं नंबर लो, कोई नहीं अब देखते हैं भाई किसमें ट्राई हो रहा है। बाकी बहुत सारी कॉलेजों की डिस्कशन चल रही है भाई के साथ, किसी की अगर से जान पहचान हो जान पहचान क्या करेगी भाई। बट तो बस भाई फिलहाल ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।